अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को हम थोड़ा सा देखेंगे कि उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है हमने। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले, तो उसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे कि ये रेशियो होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे, बट ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से जो है वो डिराइव किया था। अब हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जिसमें हमने इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने। सबसे पहला रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसका तरीका ये है कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, के सी एक्सप्रेशन लिखना होता है, जो कि क्या होता है, के सी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड वो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ब्रैकेट में, और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या बन जाती है, इसकी पावर बन जाती है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ये वन वन मोल है, हम वन नहीं लिखते हैं। फिर हमने क्या लिखना है, इसके कंसंट्रेशन यूनिट लिखने हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है मोल पर डी एम क्यूब है। इसकी जगह हमने कंसंट्रेशन यूनिट लिखा है मोल पर डी एम क्यूब, स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी मोल पर डी एम क्यूब, ये भी मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब है कि ये टू टाइम्स है, ठीक है। अगर हम इसको अपनी आसानी के लिए ओपन करके लिखना चाहें तो हम इस तरह से इसको टू टाइम्स लिख सकते हैं। यूनिट इसके साथ कट जाएगा, यूनिट इसके साथ कट जाएगा, और हमारे पास इस रिएक्शन के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अनदर रिएक्शन जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और हमारे पास टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिला है। इसमें भी हमने सबसे पहले के सी एक्सप्रेशन लिखना है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये जो इसके मोल्स हैं इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसके नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर बन जाएंगी। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ठीक है। यूनिट्स लिखने के बाद ये दोनों यूनिट्स इसके कट हो गए, ऊपर हमारे पास क्या बचा, वन बचा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, और हमारे पास किसी के जो यूनिट आया है इस रिएक्शन के लिए वो है डेसीमीटर क्यूब पर मोल। नेक्स्ट हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं, इसमें भी हमने सबसे पहले क्या लिखना है, के सी एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसकी पावर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमने इसकी कंसंट्रेशन यूनिट लिखना है, कंसंट्रेशन यूनिट लिखने के बाद जो पावर है वो एज इट इज़ कंसंट्रेशन ब्रैकेट के बाहर हमने लिख देनी है। ये टू टाइम्स है, अगर अपनी आसानी के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, टू टाइम्स हम लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट इस कंसंट्रेशन यूनिट के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास जो इस रिएक्शन के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट बचा है, हमें जो मिला है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।